नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको जो थ्रेसर दिखा रहे हैं, इस थ्रेसर में मिलने वाला है 8 ऐसे खूबी जो बाकी किसी भी थ्रेसर में नहीं देखने को मिलेगा। भारत की एकमात्र ऐसी थ्रेसर जिसमें आपको ये 8 खूबी कुछ बेहतर तरीके से मिलने वाली है। पहली चीज़, ये जो थ्रेसर है इसमें मिल जाता है भारत की मान्यता प्राप्त और साथ ही इसका एक बैजिंग जो लोकल ब्रांड नहीं दे सकते। काफ़ी बड़ी और काफ़ी जानी मानी कंपनी है ये। अभी तक आपने जितने भी थ्रेसर देखा है उसमें मिला है आपको सिंगल लोहे के चक्के, अब इसमें आपको डबल मिलता है। पहले आपने देखा सामने, ये है इसका दूसरा व्हील जो बाकी किसी और थ्रेसर में नहीं मिलता। अभी तक आपने देखा है सिंगल पंखा, डबल पंखा, 3, 4, 5, 6 और 7, लेकिन ये जो थ्रेसर है इसमें मिलता है आपको 8 पंखे का विकल्प जो किसी भी थ्रेसर कंपनी पे नहीं मिलता। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पैरा दूर फेंकने को लेकर। इस थ्रेसर में आपको मिल जाता है मिसाइल मास्टर मॉडल के साथ, इसमें लिखा हुआ भी देता है, बाकी कंपनी सिर्फ बोलते हैं लेकिन ये थ्रेसर कंपनी लिख के भी देता है। दूसरी बड़ी बात, इस थ्रेसर में आपको मिल जाता है धान की क्वालिटी साफ, जिससे क्वालिटी किसान को ज़्यादा बेहतर मिल सके। और दूसरी और एक बात, ये जो थ्रेसर है पैरे के साथ धान या फिर जो आप फसल इसमें लेते हैं वो नहीं जाने देता, मतलब कि 100% आपको मुनाफा देता है। बहुत से थ्रेसर कंपनी कुछ इस तरीके का एलिवेटर देते हैं ताकि किसान को ज़्यादा सहूलियत हो, लेकिन जितना सहूलियत देते हैं उतनी समस्या भी खड़ी होती है क्योंकि ये डैमेज ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। लेकिन इस थ्रेसर में आपको मिल जाता है ये फोल्डेबल का सिस्टम, जिससे कि एलिवेटर डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा किसान भाई, आप अभी तक देखे होंगे सिर्फ सिंगल कलर या डबल कलर के ही थ्रेसर, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है मल्टीपल टाइप थ्रेसर। आपका ट्रैक्टर जो कलर का है उस कलर का ये थ्रेसर कंपनी कलर करके आपको देती है। इस थ्रेसर में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो है चेकर चद्दर या टाटा स्टील का, जिसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा किसान भाई, इसमें जब जाली बदला जाता है उस समय 3 आदमियों का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आप इस थ्रेसर में सिंगल व्यक्ति जाली इसका बदल सकते हैं, लो मेंटेनेंस। और साथ ही इसमें दो बड़े फ़ायदे, पहला चीज़ सब्सिडी आपको सेम डे मिलने वाला है, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जब आप इस थ्रेसर को ले जाते हैं, थ्रेसर ले जाने के बाद इनका एक पंजाब का टेक्नीशियन आपके घर जाएगा, 4 घंटे आपके थ्रेसर को आपके सामने ऑपरेट करेगा, मतलब कि आपको सिखाएगा कि थ्रेसर को कैसे उपयोग किया जाता है ताकि आप इसमें बेहतर माइलेज, बेहतर क्वालिटी और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इतनी सारी क्वालिटी के साथ इसमें आपको मिल जाता है एक बढ़िया प्राइसिंग। किसान भाइयों, जो प्राइस डीलर को मिलता है वो प्राइस अब कस्टमर को मिलेगा। जो बड़े बड़े पार्टी जो 10 पीस 12 पीस लेके जाते हैं उसी कीमत में सिंगल पीस आप ले जा सकते हैं। इस स्पेशल 8 खूबी के साथ ये थ्रेसर आपको मिलता है, और क्या कुछ इसकी प्राइसिंग रहने वाली है वो भी हम सर से जानेंगे। मिथिलेश सर, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू धीरज जी, बहुत बढ़िया सर। इस अब ब्रांडिंग कंपनी के साथ किसान जुड़ना भी चाहता है तो क्या कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है? सर, गिल तो वैसे भी इंडिया की मार्केट लीडर है थ्रेसर में, और दूसरा इसमें इस पे आज के रेट में जो कस्टमर को एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है सब्सिडी का। बिल्कुल, जो इसमें 20,000 रुपया जो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो इमीडिएट माइनस हो जा रहा है, वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें टेक्निकल किसी प्रकार का इशू नहीं है, तो कस्टमर 100% संतुष्ट रहता है और क्वालिटी में भी उनको काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। सर, अभी जो थ्रेसर है वो कितनी बुक हो चुकी है और क्या कुछ आज डिलीवरी करने वाले हैं? सर, अभी सीजन तो चालू नहीं हुआ है जी, फिर भी लेकिन मैं देखिएगा तो 46 मशीन ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ। अच्छा सर। और लगभग 32 मशीनें मेरी बुक हैं जी, और आज अभी जिस कस्टमर जो हमारे सामने खड़ा है वो अभी लगभग 10 मिनट पहले मेरे को एडवांस दिए हैं, ये सोमवार को आने वाला सोमवार को लेके जाएंगे थ्रेसर। ठीक है, तो इनका भी फीडबैक हम जानते हैं। आपका नाम क्या है और किस गाँव से आप? मेरा नाम महेश्वर साहू जरहा का हूँ जी। हाँ, तो आप इस थ्रेसर को क्यों पसंद कर रहे हैं? और भी मार्केट में बहुत से थ्रेसर कंपनियां हैं। क्योंकि ये थ्रेसर मेरे को अच्छा लगा, हमारे गांव तरफ प्लेयर और ले गए हैं इसलिए। अच्छा। मैं भी लेके जा रहा हूँ। रिजल्ट कुछ कैसे देखने को मिलता है इसमें? अच्छा है सर। और हमारे थ्रेसर में क्या कुछ खूबी एक्स्ट्रा मिल जाता है, और साथ ही इसमें जो सब्सिडी वाला जो आप प्लान बोल रहे हैं तो उसके साथ क्या कुछ प्राइसिंग भी देने वाले हैं? देखिए सर, सब्सिडी के साथ आज के रेट में कस्टमर को मिलना है सब्सिडी माइनस करके मात्र 2,00,000 रुपया, 7 पंखा, डबल व्हील और 7/19 के बड़े टायर के साथ। ठीक है सर। इसके अलावा इस थ्रेसर में खूबी क्या है जैसे आप बोल रहे हैं, तो खूबी मैं आपको बताना चाहूँगा
कि लास्ट ईयर से कंपनी ने मशीन को काफ़ी अच्छा मॉडिफाई किया है। कम समय में अपन कैसे इससे ज़्यादा ज़्यादा इनपुट ले सकें वो इसमें डाला हुआ है। ठीक है सर। और प्लस सेफ्टी पर्पस में भी कंपनी ने बहुत सारा इसमें एडिशनल मशीन में मॉडिफाई किया है जी। तो वो कस्टमर को बेनिफिट मिलना है। आपके पीछे जो थ्रेसर खड़ा है इसमें एडिशनल क्या है, जैसे पहले क्या होता था अपन ड्रम चेंज करने के लिए इसमें पूरा ड्रम को खोलते थे, ठीक है, स्टील जाली और ड्रम ये आपका लोहे जाली को डालने के लिए जी। अभी कंपनी ने साइड सिस्टम डाल दिया, ये नट बोल्ट खोलने के बाद अपन यहीं से डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक पहला बेनिफिट है। इसके अलावा कंपनी ने क्या किया, एक हॉपर अलग से डाला हुआ है, जो कई लोग क्या होता है हार्वेस्टर से जो फसल वगैरह कटाई करते हैं उसमें धान को अलग से उड़ाते हैं जी। वो इसमें इसी थ्रेसर से एक उड़ाने का उनका ऑप्शन मिल जाएगा। वो कहाँ पे सर? वो साइड में दिया हुआ है, दिया हुआ है जी। तो इससे अपन क्या धान को फिल्टर करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो थ्रेसर में ही कर सकते हैं, ठीक है सर। कई लोग क्या होता है पैरा उनको अगर बारीक चाहिए तो वो भी एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें अगर ब्लेड अपन फिट करेंगे जी तो पैरा कटिंग करके आएगा, ठीक है सर। तो ये भी क्या, और जिनको खड़ी पैरा चाहिए वो ब्लेड फिट नहीं करेंगे, पूरा खड़ी पैरा फेंकेगा, ठीक है सर। और पैरा की कैपेसिटी भी देखिएगा तो इसका लगभग 50 से 60 फीट के दूर है, तो लगभग 3 से 4 एकड़ का पैरा हटाने के इसमें लेबर की ज़रूरत नहीं है। तो कम समय में और कम लेबर कॉस्ट में अपन ज़्यादा ज़्यादा इसमें इनपुट ले सकें, वो उस हिसाब से कंपनी ने इसको डिजाइन किया है। बिल्कुल। और इसमें भी साथ में सर वारंटी गारंटी वाली भी क्या पॉलिसी कुछ मिलने वाली है? देखिए वारंटी गारंटी की जो पॉलिसी है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है और एकदम फ्लेक्सिबल टाइप का पॉलिसी है, कि जिसमें ऐसा नहीं है कि कस्टमर को मशीन को ले करके आना है तब उसको वारंटी मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको डोर टू डोर जा करके वारंटी का जो पॉलिसी है वो फुलफिल होता है, ठीक है सर। और इसके अलावा जो कंपनी का अगर मान लीजिए किसी प्रकार का मशीनरी में टूट फूट होता है तो 24 घंटे के अंदर उसको जा करके वहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है। पहला दिन कस्टमर जो चालू करता है हमारा कंपनी के टीम ही जाके चालू करती है जी, जिससे कस्टमर को ये नॉलेज हो जाता है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है और किस आरपीएम पे चलाना है और इसमें अचड़ी वगैरह आ रहा है तो उसको कैसे इसको दूर किया जा सकता है, पैरा की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारा कंपनी द्वारा इसको स्टार्टिंग में बताया जाता है। किसान भाइयों, थ्रेसर का जो वैरायटी है अब वो बहुत ज़्यादा बदलना शुरू हो गया है। पहले लोग सिर्फ 3 पंखे को जानते थे, 5 पंखे 7, अब जो थ्रेसर है सर के पास जो अवेलेबल है, सर हमारे पास अब 8 पंखे का भी विकल्प आ चुका है। 8वां पंखा सर किस हद तक किसान भाइयों को बेनिफिट पहुँचाने वाला है? देखिए 8वां पंखा में कंपनी ने 2-3 एडिशनल चीज़ डाला हुआ है जी, जो 7 फैन में नहीं था, ठीक है सर। एक तो फैन की संख्या बढ़ाने से क्या होता है धान 100% फिल्टर होकर के मिलता है। दूसरा क्या होता है कि आज के डेट में किसान के सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है कि मेरे को पैरा जितना ज़्यादा ज़्यादा दूरी फेंके वैसा मशीन चाहिए, ठीक है सर। तो उसको देखते हुए कंपनी ने पैरा इसमें फैन की संख्या को बढ़ाया है जी। और तीसरा उसमें देखिएगा तो 8 फैन में जो ड्रम जाली को अपन डालने के लिए 2-3 लेबर की आवश्यकता पड़ता था, उसको देखते हुए कंपनी ने इजी शिफ्टिंग एक इसमें ऑप्शन डाल दिया है, वो भी एक बेनिफिट मिलेगा फार्मर को। एक साइड ब्लोअर जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया वो भी एक ऑप्शन 8 फैन में मिलेगा, ठीक है सर। तो इस हिसाब से कंपनी ने मॉडिफाई काफ़ी अच्छा किया मशीन को। इसके अलावा और क्या वैरायटी है सर आपके पास थ्रेसरों में? देखिए थ्रेसर में एक ना एलिवेटर का ऑप्शन होता है जी। कई फार्मर क्या होता है ट्रॉली में डायरेक्ट धान को इकट्ठा करते हैं, ठीक है सर। तो उनको लेबर कॉस्ट बचाने के लिए एक कंपनी ने एक एलिवेटर सिस्टम डाला हुआ है। एलिवेटर सिस्टम में बेनिफिट फार्मर को ये मिल जाता है कि अगर वो चाहे तो डायरेक्ट बोरी में पैक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ट्रॉली का जी, ये इसमें फोल्डिंग सिस्टम दिया है, इस फोल्डिंग सिस्टम से अपन ट्रॉली में डायरेक्ट माल भर सकते हैं, ठीक है सर। तो लेबर कॉस्ट बचेगा, समय बचेगा, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये सिस्टम डाला है। कई फार्मर बोलते हैं कि सर इसको ले जाते समय मेड़ वगैरह टच होता है तो एलिवेटर का कुछ नुकसान है ऐसा करके, तो कंपनी ने इसको देखते हुए क्या क्या फोल्डिंग एलिवेटर भी ऑप्शन डाल दिया है, वो आगे मशीन में आप देखेंगे जी। फोल्डिंग एलिवेटर में फार्मर को बेनिफिट ये मिल जाता है कि ट्रांसपोर्ट अगर करते हैं जी, एक खेत से दूसरे खेत लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है मेड़ टच होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको देखते हुए कंपनी ने ये फोल्डिंग एलिवेटर किया है। इसमें ऐसा सिस्टम है कि अगर वो कहीं ट्रांसपोर्ट पर्पज़ में इस थ्रेसर को लेके जा रहा है जी, तो ये साइड से फोल्डिंग हो जाएगा, ये एलिवेटर साइड में हो जाएगा, जिसमें इनके पास जो मेड़ टच होने का समस्या था वो भी दूर हो जाएगा। इससे इसको फोल्डिंग करने में कितने आदमी चाहिए सर? सिंगल एक बंदा, एक ड्राइवर ही इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर होना जरूरी है सर? इसके लिए हालांकि देखिए 7 पंखे में तो कंपनी के हिसाब से कम 40 HP के ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन इस ट्रैक को 35 HP में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि इसमें डबल व्हील है, बैलेंसिंग अच्छा मिलता है,
दूसरा रीज़न है कि इसमें अगर जिस ट्रैक्टर में बैलेंसिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर मशीन ऑपरेट हो रहा है तो उसमें कम पावर की भी ज़रूरत पड़ता है, प्लस डीजल कंजम्पशन भी कम लगता है। इसके अलावा सर, कुछ किसान भाई जैसे पहली बार थ्रेसर यूज करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो दो चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप पुराना थ्रेसर एक्सचेंज भी करते हैं, और दूसरा अगर कोई नया थ्रेसर लेके जाता है तो उनके लिए आपका क्या सपोर्ट रहता है? देखिए, अगर कोई पुराना थ्रेसर एक्सचेंज करके नया थ्रेसर लेना चाहता है तो बिल्कुल ये ऑप्शन उनके लिए है, वो कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन कब रहता है? ऑफ सीजन में रहता है। अगर वो जिस समय पीक रहता है उस समय अगर चाहेंगे तो थोड़ा सा उस समय दिक्कत होता है जी, और इस समय अगर वो चाहते हैं तो बिल्कुल वो थ्रेसर अपना एक्सचेंज करके नया थ्रेसर ले सकते हैं जी। अगर कुछ किसान भाई चाहता है सर कि अभी बुकिंग करा दे और एक डेढ़ महीने बाद जब सीजन रहे उस समय ले जाना चाहता है, तो क्या वो आप करके देने वाले? बिल्कुल, अगर जो फार्मर आज के डेट पर बुक कराता है तो सौभाग्य की बात उसको आज का ही रेट मिलेगा बिल्कुल, और उनको जब भी मशीन ले जाना चाहे वो ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रेट का बेनिफिट लेना है तो एक प्लानिंग क्या होता है, डीलर भी इससे आसानी से कर सकता है, एक मैन्युफैक्चरर भी कर सकता है कि जो मशीन बुक हो चुका है वो तो ऑलरेडी उस रेट पे देने ही है। बिल्कुल, तो बुकिंग अमाउंट आप कितना लेने वाले हैं? 10,000 मिनिमम जी। मिनिमम किसान भाइयों, आप 10,000 देके 6 पंखा 5 पंखा 8 पंखा कोई भी थ्रेसर के लिए 10,000 है, 10,000 रुपये में आप देके बुक करा सकते हैं, और आज जो रेट आपको सर बता रहे हैं सब्सिडी के साथ वो बुकिंग अमाउंट के साथ आप देने वाले हैं, चाहे एक महीना बाद सीजन में आप लेकर जाएं। इसके अलावा किसान भाइयों, सर से मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि सर, थ्रेसर है, मशीनरी चीज़ है, कभी ना कभी तो ख़राब होगा ही, चाहे वो 2 दिन बाद हो या कभी भी हो, तो उसके लिए आपका क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए, कंपनी ने क्या होता है, जब भी स्टॉकिस बनाती है तो लगभग उनका नॉर्म्स जो होता है वो फुलफिल करने के बाद ही अथोराइज करती है। बिल्कुल, तो कंपनी ने आज भी मेरे पास लगभग 17 लाख रुपये का स्पेयर पार्ट्स भेजी हुई है जो आप देख सकते हैं, प्लस उसका पुल्ली, एक एक छोटे से छोटे पार्ट्स और बड़े से बड़े पार्ट्स जी वो सारा मेरे पास अवेलेबल है। आज मेरे पास ऐसे हैं जो 40 मशीन भी अगर एक साथ प्रॉब्लम करता है तो उसको मैं इमीडिएट सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, इतना मेरे पास स्पेयर पार्ट्स है। ठीक है सर, तो वो स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड फ्यूचर में ना फार्मर को प्रॉब्लम आना है ना डीलर को आना है, तो ये ऑलरेडी उस हिसाब से कंपनी ने देखते हुए स्पेयर पार्ट्स को बिल पहले करती है, उसके बाद अपना मशीन देती है। तो ये कुछ बड़े फायदे आप अभी ले सकते हैं, 10,000 देकर आप बुक करा सकते हैं, 1-1.5 महीने बाद आप ले जा सकते हैं जब आपको सीजन हो, क्योंकि उस समय इसी की कीमत 30 से 40 हज़ार रुपये बढ़ने वाली है सर, यही थ्रेसर रहेगा, यही क्वालिटी रहेगी, 30 से 40 हज़ार आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो अभी 10,000 देकर आप बुक करा सकते हैं, और कुछ स्पेशल फीचर जैसे कि सिंगल हैंड यूजेस आप इसमें कर सकते हैं, और भी बहुत से वैरायटी है अभी सर के पास। सर, बल्क स्टॉक अभी हमारे पास कितना होगा? बिल्कुल, अभी हमारे पास 125 मशीन है स्टॉक में आज के डेट में, और बिल्कुल वो चाहे तो एलिवेटर, मल्टी क्रॉप, पैडी, जो भी मशीन चाहिए, और 5 पंखे 6 पंखे 7 पंखे 8 पंखे में वो सारे रेंज है। तो शायद अभी किसान को 1 घंटे भी इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, वो आए अपना मशीन फाइनल करें लेके जाए ऐसा। बिल्कुल, और सब्सिडी वाली बात रही उसकी जवाबदारी सर की है, 3 डॉक्यूमेंट्स में सब्सिडी सर करके देने वाले हैं, और वो भी सेम डे, बाकी जगह आप जाएंगे तो काफ़ी लंबा आपको घूमना पड़ेगा, 1-1.5 महीने का समय लग जाता है, सेम डे सब्सिडी आपको सर करके देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू धीरज जी। अगर ऐसे ही आप फायदेदार वाली वीडियो देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, मैं धीरज कुमार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।